हाँ मजा आ गया। अमृतसर आओ और कड़े वाला दूध ना पी के जाऊं, अब आएगा मजा। वाह क्या बात है। लो जी शनि राम मंदिर भी आ गया, ये है दोस्तों शनि राम मंदिर। मॉर्निंग अमृतसर, अमृतसर आके अमृतसर की यादें ताजी कर रहा हूँ, ताजी। अपना पुराना घर सारा देख के हैरान हो गया, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये बाजार, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कौन सा है, लेकिन ये हमारा घर यहाँ पर होता था। आगे जाकर राइट टर्न करके तो फिर हमारी बाजार आता था। और ये इधर से देखिए, ये है गोल्डन टेम्पल की एंट्री गेट। आगे आपको और भी दिखाते हैं, पहले अपने दोस्त से मिलते हैं, इनकी भी शॉप है यहाँ पर, बड़ी पुरानी शॉप है दौलत राम दी हट्टी, इनसे भी मिलते हैं। हो जी राम राम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? क्या बात है। वे लो स्पेशल मिलने आया था ना, भरा नु मिलना है। कल रात के अमृतसर आए हुए हैं फंक्शन पे, बड़ा ही मजा आ रहा है। आज सुबह मॉर्निंग टाइम में 6 बजे वॉक पे निकला है, वॉक करते करते मैं गोल्डन टेम्पल जलियांवाला बाग आ गया। ये देखिए आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग अंदर से, आ जाओ। ये देखिए जलियांवाला बाग स्मारक, हमारे टाइम तो पुराना, सारा ही चेंज कर दिया इन्होंने। वो है सामने गोल्डन टेम्पल और इधर है सारा पुराना, सब चेंज कर दिया, हरे होटल्स खुल गए, सारा चेंज हो गया। ये है जलियांवाला बाग, आओ आपको दिखाते हैं। ये देखो सारा सिस्टम जलियांवाला बाग का चेंज हो चुका है, हमारे टाइम तो कुछ और ही था। वेरी गुड, क्या बात, आओ आपको अंदर से दिखाते हैं। बचपन में यहाँ पर आके मैं पतंगे पकड़ता था जलियांवाला बाग में, आपको अंदर से दिखाते हैं, सारा बहुत अच्छा बन गया। वाह क्या बात है, वाह नाइस ब्यूटीफुल, सारा ही चेंज हो गया। देखो जी क्या बात, इधर गैलरी होती थी, आर्ट गैलरी होती थी जहाँ सारी स्नैप्स वगैरह लगाई होती थी, अब आपको दिखाते हैं वो भी। बड़ी देर बाद आके जलियांवाला बाग बहुत अच्छा लगा इतना। अभी अपने पुराना घर भी दिखाता हूँ जो जलियांवाला बाग के बैक साइड पे था। गैलरी तो अभी खुली नहीं, गैलरी होती थी, ये इन्होंने बंद किया हुआ रस्सी लगा के, और ये गैलरी वो बंद है, आपको अंदर से दिखाते हैं। इधर बात यहाँ पर हम सारे खेलते होते थे, ये पार्क अब तो उन्होंने काफी चेंज कर दिया है, काफी बहुत ही सुंदर बना दिया। ये हमारे ताया जी का घर होता था, उन्होंने सेल कर दिया, पहले होटल था अब होटल बन गया। ये सारे पुराने घर है, ये हमारे घर के बैक साइड है। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये कुआं होता था, कुआं अब तो इसको बंद कर दिया। कृपा करके खूह विच पैसे ना सुट्टो, ये होता था खूह। और ये है वो पुराने घर जहाँ पर हम रहते थे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा घर है, इसके बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट। ये हमारा स्कूल होता था मॉन्टेसरी स्कूल, अनुपम मॉन्टेसरी स्कूल, ये उनका रूबी का घर, ये प्रिंस का घर, इस अमृत आंटी का घर। ये वो जगह है जहाँ पर गोलियाँ लगी थी, जनरल डायर ने गोली चलाई थी, हमारा गली का गेट ये होता है।
ये गोलियों के निशान वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। लो जी लाइट भी ऑफ हो गई, आगे आपको और दिखाते हैं। ये मेन स्मारक है, अब तो इसको काफी राउंड कर दिया था। पहले जब हम आते थे तो रात को खाना खाने के बाद यहाँ पर आके सैर करते थे। जो आस पड़ोस वाले हैं वो लोग अभी भी यहाँ पर आके सैर करते हैं। ये सारा उन्होंने साइड से सैर वाला बना दिया हुआ, यहाँ सब वॉकिंग करते हैं। अब सुबह आके देखिए यहाँ सारा दूसरा एरिया बना दिया हुआ, सारा चेंज कर दिया। ये पुरानी की पुराना ऐसे रखा हुआ, इसको नहीं चेंज किया, उसके साइडों में कवर कर दिया। नंगे पांव दौड़ रहे। दोस्तों ये था अमृतसर का जलियांवाला बाग। पर मैं अपनी बचपन की यादें ताजे करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर वो सामने हमारा घर होता था, वहाँ से यहाँ पर आता था भागा भागा, कोई पतंग देखनी कुछ देखना तो मैं बड़े जल्दी भाग के आता था। और ये देखो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज सारा जलियांवाला बाग देख के पुरानी यादें ताजी हो रही है, मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न। आज काफी अच्छा लगा जलियांवाला बाग देखकर, काफी चेंज कर दिया, काफी सुंदर बना दिया है। आप लोग भी आए जलियांवाला बाग जरूर देखें, ये अमृतसर का नंबर वन प्लेस है। यहाँ पर चेयर्स लगा दी गई है, चेयर्स लगा दी है टोटल। यहाँ पर मेरे हिसाब से सिटिंग एरिया बना दिया गया है, कोई स्पीच होती है या कोई बाहर से आता है तो इन्होंने काफी खूबसूरत बना दिया जलियांवाला बाग को। ये देखिए आप लोगों को एक और जरूरी बात बताऊं, इन्होंने एग्जिट जो रास्ता है बाहर जाने का वो भी चेंज कर दिया है। जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ वहाँ पर एंट्री दोबारा वापस नहीं जा सकते आप, पहले एरिया वो था वहाँ से वापस जाते थे, अब इन्होंने बाहर जाने का रास्ता इधर से कर दिया, सारा ही सिस्टम चेंज हो गया। अब बाहर जाने का रास्ता इधर से बना दिया, देखते हैं। हम लोग तो जानते हैं अमृतसर के सारे पुराने रास्ते को। ये अमर ज्योति जलियांवाला बाग में लगाई है, कृपया जूते उतार के जाएं, मैंने उतार दिए। ये इंडियन ऑयल की तरफ से कृपया अमर ज्योति पर पैसे न चढ़ाएं। वाह, अब तो ये जलियांवाला बाग सारा टूरिस्ट हब बन गया है। अब काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, शुरू हो गया, 7 बजे सुबह खुलता है। और हाँ ओहो, इन्होंने उस बाज़ार से एंट्री निकाल दी, एंट्री सॉरी एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता इधर से कर दिया इन्होंने, सिस्टम चेंज हो गया जी। पहले उधर से आता था, अब ये सारा चेंज करके इन्होंने इधर से बना दिया बाहर जाने का रास्ता। ये सीधा वो पीछे वाले बाज़ार से निकलेगा, जो तो पहले देखा हुआ जिन्होंने उनको तो पता चल जाएगा बाजार कौन सा है। ये देखो ये जलियांवाला बाग, उधर से घूम के जलियांवाला बाग उधर से आना पड़ेगा। सत श्री अकाल जी, क्या बात, वो देखो जी, ओहो ये बाजार था जुतियों वाला बाजार, जो जहाँ चप्पल वगैरह सारी मिलती थी, ये वो बाजार वो सामने आ गया गोल्डन टेम्पल। चलो अब वहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर है ये कड़े वाला दूध, जो सबसे ज़्यादा इसमें जलेबी वगैरह भी डालते हैं या और भी कुछ डालते हैं, और सबसे ज़्यादा मशहूर है अमृतसर का कड़े वाला दूध। अमृतसर आओ और कड़े वाला दूध ना पी के जाऊँ, ये भी हो सकता है।
अब आएगा मजा। वाह जी वाह, क्या बात है। मजा आ गया जी दोस्तों, सवेरे सवेरे कड़े का दूध पी के मजा आ गया, आनंद आ गया। तैयारी कर ली है जी, लस्सी भी लगानी शुरू करती है। देखो इतने लस्सी भी मिलती है, लस्सी ड्राई फ्रूट वाली, केसर वाली। क्या बात है, लस्सी ड्राई फ्रूट केसर, बहुत अच्छे यार। जेड़ा भी आए इतों लस्सी तो कड़े का दुध जरूर पी के जाए। लो जी दोस्तों, मजा आ गया जी, दुध कड़े वाला दुध पी के सवेरे सवेरे। क्या वाह जी वाह, टाइम देखो कितना होया जे, पहले 8:30 बजे ते इत्थे देखो पूरा क्या ने जन्नत, गुरु की नगरी अमृतसर। सब तो मशहूर कुलचे इत्थे मिलदे जी। क्या वाह, यह बाजार जाता जी क्यों आलू वाले कटरे च, इतों दलेबियां बड़ी मशहूर है इस बाजार के अगे जाके। खूबी राम हलवाई वो सामने है, अमृतसर तो पूरा ही चेंज हो गया जी। आप शनि का मंदिर दिखाने हैं, पुराना शनि का मंदिर एज इट उदा तो उदा ही है। देखो जी सवेरे सवेरे सारा बाजार सज गया, टोटल सारा बाजार किस तरह सजा हुआ है। वाह देखो, लो जी शनि का मंदिर भी आ गया, आप गोल्डन टेंपल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, और शनि का मंदिर, ये है दोस्तों शनि का मंदिर। सामने बिल्कुल गोल्डन टेंपल, जगह जगह कुल्लड़ वाले दिखे, मैं तो दूध उधरों पी रहा तो सारा टोटल। अमृतसर का सब तो मशहूर है जी ए, गोल्डन टेंपल के बाहर मिलता आज। गोल्डन टेम्पल मैं इसलिए अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहा धो के नहीं आया सुबह सुबह, विद फैमिली आएंगे किसी दिन, ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया सा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।